हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूबिक क्यूब की जो मिडल लेयर है वो कैसे सॉल्व हो सकती है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बॉटम लेयर को सॉल्व करके रखा हुआ है। अगर आपने नहीं किया है बॉटम लेयर को, तो बॉटम लेयर को कैसे सॉल्व करना है उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप पहले उस पर जाइए और बॉटम लेयर को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे मैंने मिडल लेयर को भी सेट करके रखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज दी अवर राइट, दिस इज अवर अप, दिस इज अवर लेफ्ट, दिस इज अवर फ्रंट। ठीक है, सिंपल है। आपको सिर्फ अल्गोरिदम को अप्लाई करना है, कुछ ट्रिक अप्लाई करनी है और आपका ये मिडल लेयर सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो मिडल लेयर को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी ये एजेस है वो हमें करेक्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो टॉप लेयर में से कोई ऐसी एजेस निकालिए जिसमें से येल्लो कलर ना हो, जैसे कि ये ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो यहां पे ग्रीन एंड ब्लू है, तो यहां पे ग्रीन मैच हो रहा है, यहां का ब्लू मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम अल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, अल्गोरिदम टू। ठीक है, तो यू डैश यानी कि यू एंटी क्लॉकवाइज, जहां पे डैश डैश लिखा है यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव है। ठीक है, यू डैश यानी कि अप एंटी क्लॉकवाइज, एल डैश यानी कि लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, यू डैश यू एंटी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज। फिर रूबिक क्यूब को राइट साइड घुमाना है कुछ इस तरीके से, फिर आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर डैश यानी कि आर एंटी क्लॉकवाइज, यू डैश यू एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, सो अभी जो है ब्लू और ग्रीन वो यहां से मैच कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर यहां से मैच करना है तो अल्गोरिदम वन अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम अल्गोरिदम वन अप्लाई करते हैं दोस्तों। यू क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। फिर रूबिक क्यूब्स को लेफ्ट की ओर घुमाना है दोस्तों कुछ इस तरीके से, फिर हमारा बन जाएगा एल एंटी क्लॉकवाइज, यू डैश यू एंटी क्लॉकवाइज, एल को क्लॉकवाइज, यू को क्लॉकवाइज। तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ये एजेस हमारी मैच हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम दूसरी मैच, अब हम टॉप लेयर में से कोई और दो कलर ढूंढते हैं दोस्तों, जैसे कि ये है ब्लू और रेड, तो ब्लू को मैच कर देते हैं ब्लू के साथ में। यहां पे मैंने मैच कर दिया दोस्तों। ठीक है, अगर यहां मैच हो रहा है ब्लू और रेड यहां पे है, तो पर आप अल्गोरिदम कौन सा रहेगा, अल्गोरिदम टू। तो अल्गोरिदम टू अप्लाई करते हैं, यू को यू डैश, फिर एल डैश, यू डैश यानी कि यू को एंटी क्लॉकवाइज, एल को क्लॉकवाइज, यू को क्लॉकवाइज। फिर रूबिक क्यूब को घुमाना है राइट साइड, फिर घुमाना है आर को क्लॉकवाइज, यू को क्लॉकवाइज, आर डैश यानी कि आर एंटी क्लॉकवाइज, यू को एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे हमें मिल गया है ब्लू सॉरी रेड एंड ब्लू। ठीक है, अभी हम अल्गोरिदम वन अप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो एजेस है वो यहां आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अल्गोरिदम वन क्या कहता है हमारा, यू को क्लॉकवाइज, आर को क्लॉकवाइज, यू को क्लॉकवाइज, आर को एंटी क्लॉकवाइज, यू को एंटी क्लॉकवाइज। रूबिक क्यूब्स को घुमाना है लेफ्ट साइड को, एल को एंटी क्लॉकवाइज, यू को एंटी क्लॉकवाइज, एल को क्लॉकवाइज और यू को क्लॉकवाइज। तो ये हमारा जो एजिस है वो करेक्ट हो गया है। तो हमारे दो एजिस एग्जैक्टली करेक्ट हो गए दोस्तों, दो ही एजिस अभी बाकी है। ठीक है, तो अभी देखिए दोस्तों, अभी ये ग्रीन है तो ग्रीन यहां पे मैच हो रहा है,
हमने पहले ही बोला था अगर यहाँ पे मैच हो रहा है ठीक है तो एल्गोरिथम 2 अप्लाई करना है, अगर यहाँ पे मैच हो रहा है ग्रीन ग्रीन और ऑरेंज तो इस एजेस को हमें यहाँ लाने के लिए सिर्फ एल्गोरिथम 1 अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ एल्गोरिथम 1, यू को क्लॉकवाइज, आर को क्लॉकवाइज, यू को क्लॉकवाइज, आर को एंटी क्लॉकवाइज, यू को एंटी क्लॉकवाइज, रूबिक क्यूब को घुमा देना है लेफ्ट साइड, एल को एंटी क्लॉकवाइज, यू को एंटी क्लॉकवाइज, एल को क्लॉकवाइज एंड यू को क्लॉकवाइज। यहां आ गया दोस्तों, फिर हमें 2 मैचेस और रखना है क्योंकि ये भी है कॉर्नर अभी बाकी है। तो ये है देखते हो दोस्तों कि ये ऑरेंज ऑरेंज है और ये रेड है, तो इस एजिस को मुझे सिर्फ यहां लाना है। ठीक है दोस्तों, तो एल्गोरिथम 1 अप्लाई करते हैं, यू को क्लॉकवाइज, आर को क्लॉकवाइज, यू को क्लॉकवाइज, आर को एंटी क्लॉकवाइज, यू को एंटी क्लॉकवाइज, क्यूब को घुमाना है लेफ्ट साइड, एल को एंटी क्लॉकवाइज, यू को एंटी क्लॉकवाइज, एल को क्लॉकवाइज, यू को क्लॉकवाइज। तो देखिए दोस्तों सारी एजेस मैच हो गई है रिस्पेक्टिव कलर के साथ में और ये सॉल्व हो गया है हमारा हमारा मिडल लेयर। तो दोस्तों एक बात है कि जो भी एल्गोरिथम 1 है तो वो एल्गोरिथम 1 क्या करता है, इस एजिस को इधर लाता है। ठीक है दोस्तों, और एल्गोरिथम 2 क्या करता है, इस एजिस को कलर फ्लिप करके यहां लाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही है ट्रिक, आप ट्रिक अप्लाई कीजिए, एल्गोरिथम अप्लाई कीजिए, आपको मिडल लेयर मिल जाएगी। थैंक यू।